नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की बड़ी मंडियों के प्याज के ताजा भाव में। यह दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देश की सभी बड़ी मंडियों में प्याज के क्या ताजा भाव चल रहे हैं, कौन सी मंडियों में पिछले दिनों में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली है और कहां मंदी देखने को मिली है। वही दोस्तों उन किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन किसान भाइयों ने अभी प्याज का भंडारण कर रखा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब तक प्याज के भाव आने वाले हैं और कितने भाव आने वाले हैं, कौन से राज्य में आपके जो भी प्याज के भाव वो कितने रहेंगे, कितना उसमें उछाल आने वाला है, प्याज का भविष्य क्या रहने वाला है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के हम प्याज के भाव आप तक सबसे पहले पहुंच जाते हैं। साथ ही अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हैं, अच्छी दर पर बेचना चाहते हैं, तो कंप्लीट जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, यानी कितना क्विंटल आपके पास प्याज है, किस दर पर आप प्याज बेचना चाहते हैं और आप कहां के रहने वाले हैं, ताकि हमारे साथ जो भी व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं आपका प्याज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आपसे अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश भर में आपकी सभी बड़ी मंडियों के प्याज के क्या ताजा भाव चल रहे हैं, उसके बाद में प्याज का भविष्य क्या रहने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हरियाणा की बात करने वाले हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ धंध मंडी में 900 से लेकर 1300 रुपए क्विंटल आपका प्याज बिक रहा है। वही गुड़गांव की मंडी में 900 से लेकर 1200 रुपए, वही दोस्तों जखाल की मंडी में 1300 से लेकर 1800 रुपए बिक रहा है। अगर बात करें दोस्तों इस यहां हरियाणा के औसत भावों की, दोस्तों औसत भाव यहां 2000 रुपए क्विंटल तक प्याज बिक रहा है और पिछले दिनों से यहां दोस्तों काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की दोस्तों बात कर लेते हैं, प्याज का दोस्तों आवक है वो लगभग सभी मंडियों में कम हो चुकी है, तो यहाँ भी भाव औसत भाव हम आपको बता देते हैं। नीमच मंडी का भाव हम आपको बता देते हैं, 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये क्विंटल यहाँ प्याज है वो बिक रहा है और लगातार दोस्तों बढ़ोतरी देखने को पिछले कुछ दिनों में मिल रही है। अगर महाराष्ट्र की दोस्तों बात करते हैं, महाराष्ट्र की मुंबई ओनियन पोटैटो मार्केट में आपके 600 से लेकर 1200 रुपये तक क्विंटल आपका प्याज बिक रहा है। मोरसी मंडी में 700 से लेकर 1300, कराड मंडी में 1000 से लेकर 1200। अगर सोलापुर की मंडी की बात करें तो यहाँ आपके 1200 रुपये तक प्याज है वो बिक रहा है। नागपुर की मंडी में 800 से लेकर 1000 रुपये, वही दोस्तों नागपुर की मंडी की बात करें तो 1100 रुपये से लेकर 1600 रुपये। नासिक की मंडी में 200 से लेकर 750 रुपये तक आपका प्याज औसत बिक रहा है। दोस्तों कुल मिला के कहें तो प्याज के भाव में यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। पंजाब की दोस्तों बात करेंगे, हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के औसत भाव हम आपको बता देते हैं। पंजाब में यहाँ आपके प्याज के भाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक प्याज है वो पंजाब की मंडियों में बिक रहा है। ये ऐसा सीजन है जहाँ पंजाब की मंडियों में प्याज इस टाइम है आवक बढ़ जाती है। राजस्थान की दोस्तों बात कर लेते हैं, राजस्थान की अजमेर मंडी में 900 से लेकर 1300। अगर औसत भाव की बात करें तो औसत भाव यहाँ अच्छे खासे है वो किसान भाई को मिल रहे हैं। यहाँ औसत भाव आपके 1600 रुपये तक है वो प्याज राजस्थान की सभी बड़ी मंडियों में बिक रहा है। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हम आपको एक दो मंडियों का भाव बता देते हैं, बाकी मंडी हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर बात करें इलाहाबाद मंडी की तो 1150 से लेकर 1350 तक आपका प्याज बिक रहा है। अगर बात करें बाकी मंडियों के औसत भावों की, दोस्तों यहाँ भी 2000 रुपये क्विंटल तक आपका प्याज है वो बिक रहा है और यहाँ भी पिछले दिनों में दोस्तों तेजी देखने को मिली है, 2 से 3 रुपये पर आपके केजी में तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यहाँ दोस्तों कि प्याज के भाव आने वाले दिनों में कैसे रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों लगभग सभी मंडियों में 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आपके भाव ऊपर जा चुके हैं। अब आपके भाव हैं आपको 30 रुपये तक है वो मिल सकते हैं। अगर आपके पास उचित व्यवस्था है भंडारण की तो आप थोड़े से दिन वेट कीजिए, आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने के बाद आपको प्याज के भाव में 3 गुनी से 2 गुनी आपको तेजी देखने को मिलेगी। लगभग सभी मंडियों का सर्वे हमारे पास डेली बेसिस पर आता है तो वहां आवक आपकी कम हो चुकी है। तो दोस्तों आवक जैसे कम होगी तो यहां दोस्तों डिमांड डायरेक्टली बढ़ेगी और दोस्तों लगातार है वो तेजी आपको देखने को मिल रही होगी। तो अगर आप भाव लेना चाहते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए ताकि आपको अच्छे खासे भाव मिल सके।